बिहार शिक्षा परियोजना के परियोजना निदेशक से मेरी बात भी हुई है, उन्होंने फोन किया था, मुझे बताया भी कि ये पूर्णतः एक फर्जी पत्र है जो किसी ने शरारत के रूप में इसको सोशल मीडिया में डाला है और उसी चिंता के स्वरूप आप सब लोग आए हुए हैं और ये बातें हो रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचिका राज और आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को लेकर के एक बार फिर से स्कूल बंद करने की खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि 19 मार्च से लेकर के 15 जून तक स्कूल बंद कर दी जाएंगी। क्या है इसकी सच्चाई, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। कोरोना संकट के बीच एक पत्र वायरल हो रहा है। वायरल पत्र में सभी स्कूलों में छुट्टी की बात कही गई है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देशक संजय सिंह का एक कथित पत्र वायरल हो रहा है। वायरल लेटर में लिखा गया है कि कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण 19 मार्च 2021 से सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल 15 जून 2021 तक बंद रहेंगे। उस पत्र में कहा गया है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक हित में 15 अप्रैल 2021 तक बंद रखेंगे। इसके बाद ऑनलाइन शिक्षक गतिविधियां जारी रह सकती हैं। प्रवेश उत्सव विशेष नामांकन अभियान की अवधि 25 मार्च 2021 तक विस्तारित रूप से चलेगी। पत्र में संजय सिंह राज्य परियोजना निर्देशक का कथित हस्ताक्षर भी किया हुआ है। शिक्षा विभाग से जब इस बारे में जानकारी ली गई तो यह पता चला कि राज्य परियोजना निर्देशक ने इस तरह का कोई पत्र जारी नहीं किया है। मतलब साफ है कि किसी ने जानबूझकर फर्जी पत्र तैयार कर उसे वायरल किया है। तो आपको बता दें कि संजय सिंह राज्य परियोजना निर्देशक जो है उनके हस्ताक्षर भी इस पत्र में किए गए हैं, लेकिन ये पत्र पूरी तरीके से फर्जी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसी ने ये फर्जी हस्ताक्षर करके इसे वायरल कर दिया है और खबर ये फैल गई है कि अब 15 जून तक स्कूल को फिर से एक बार बंद किया जाएगा, लेकिन ये खबर बिल्कुल ही गलत बताई जा रही है। शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देशक संजय सिंह इस वायरल पत्र पे क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयान। तो ये सरासर फर्जी ही हो सकता है, क्योंकि ऐसे पत्र यदि सही होते तो ये तो विभाग से निकलता। और बिहार शिक्षा परियोजना के परियोजना निदेशक से मेरी बात भी हुई है, उन्होंने फोन किया था, मुझे बताया भी कि ये पूर्णतः एक फर्जी पत्र है जो किसी ने शरारत के रूप में इसको सोशल मीडिया में डाला है और उसी चिंता के स्वरूप आप सब लोग आए हुए हैं और ये बातें हो रही हैं। तो इसमें कोई तथ्य नहीं है और बिहार शिक्षा परियोजना को यह भी निर्देश दिया गया है कोई इस संबंध में साइबर सेल में एक प्राथमिकी भी दर्ज कराए, ताकि आगे के लिए जो लोग इस प्रकार का कार्य करते रहे उनके लिए एक सबक। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।